क्लास टाइम ही चल रहा है, बफरिंग हो रहा है लेक्चर। हेलो, पेन कहाँ है? दो चला, वहां पेन है। विक्की जी नहीं उठा रहे हैं। शुरू करें सर, आइए हम लोग रिकॉर्डिंग लगा। टेल स्टॉक में चलते हैं। टेल स्टॉक के बारे में हमने कहा था आपको कि टेल स्टॉक इस साइड होता है, बोलो बाई ओर की दाई ओर। टेल स्टॉक जब भी होगा बाई ओर होता है, बाई ना। टेल स्टॉक दाई ओर होता है और हेड स्टॉक बाई ओर होता है, बोलो ना। ये वर्क पीस है, ये मेरे दोस्त, ये वर्क पीस है, ठीक है। इस साइड हेड स्टॉक होता है और इस साइड टेल स्टॉक, यानी दाहिने ओर टेल स्टॉक और बाई ओर हेड स्टॉक। कहता है यह कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है मेरे दोस्त? जॉब में बाई ओर हेड स्टॉक तथा दाई ओर टेल स्टॉक होता है। बाई ओर जॉब के, यह जॉब है, जॉब मतलब वर्क पीस ना, वर्कपीस के बाई ओर कौन हेड स्टॉक और दाई ओर कौन टेल स्टॉक होता है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, आ जाओ इधर। कहता है हेड स्टॉक को आगे पीछे, देखो तो इसको आगे पीछे किया जा सकता है। तो आज फिर से एडिट किए हैं ताकि थोड़ा समझ में आए। इसको आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन ये आगे पीछे होगा? ये खाली क्या करेगा, घूमेगा? ये आगे पीछे होगा कि नहीं होगा? आई हम ये कह सकते हैं, देखो हेड स्टॉक को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। हेड स्टॉक को आगे पीछे किया जा सकता है, जबकि टेल स्टॉक को गाइडवेज की सहायता से लेद बेड पर आगे पीछे किया जा सकता है। टेल स्टॉक को गाइडवेज की सहायता से आगे पीछे, ये आगे पीछे होगा, ये अपने ही जगह पर घूमेगा, बुलंद। अगला कहता है यह मतलब क्या? टेल स्टॉक ना, टेल स्टॉक के बारे में हम बोले थे, यह जॉब के दूसरे सिरे को मजबूत आधार प्रदान करता है। इसका उपयोग जॉब के फेस पर छिद्र करने के लिए, लेद मशीन के हेड स्टॉक में लाइव सेंटर। हेड स्टॉक में क्या होता है? लाइव सेंटर की डेड सेंटर, छोटा हेड हेड स्टॉक में, हेड स्टॉक में, क्योंकि ये घूम रहा है ना, इसलिए लाइव सेंटर की डेड सेंटर। और ये सही है, कहते हैं मेरे दोस्त लेद मशीन में हेड स्टॉक में लाइव सेंटर तथा टेल स्टॉक में क्या होता है? डेड सेंटर। डेड सेंटर जॉब के साथ घूमता है, देखो ये डेड सेंटर है, इसमें ये जॉब के साथ घूमता है कि लाइव सेंटर घूमता है जॉब के साथ? कौन घूमता है? डेड सेंटर, डेड सेंटर आगे पीछे होता, घूमता नहीं। कहते हैं डेड सेंटर जॉब के साथ नहीं घूमता, जबकि लाइव सेंटर जॉब के साथ क्या होता है? घूमता। फिर कहते हैं सर टेल स्टॉक को हैंडविल के द्वारा आगे पीछे कर सकते हैं, बोलो ना। पिछले क्लास में पढ़ाए थे टेल स्टॉक के द्वारा ड्रिलिंग, रिमिंग, टेपर टर्निंग। टेल स्टॉक की सहायता से डेड सेंटर को समायोजित किया जाता है या एडजस्ट किया जाता है। टेल स्टॉक की सहायता से किसको? इसके पास क्या होता है? डेड सेंटर की लाइव सेंटर। अरे टेल स्टॉक के पास लाइव की डेड सेंटर, डेड सेंटर को एडजस्ट किया जाता है किसके द्वारा? टेल स्टॉक के द्वारा। अब आते हैं हेड स्टॉक में, यही ना है हेड स्टॉक, बोलन दे। इसमें क्या क्या होता है? देखो एक होता है इसमें ड्राइव मैकेनिज्म, ड्राइव मैकेनिज्म जो ड्राइव करता है, गियर होता है इसमें जिसके द्वारा हम गति को बदल सकते हैं, स्पिंडल होता है इसमें जिसमें ये फोर्जा चौक बंधा हुआ होता है। ड्राइव मैकेनिज्म, गियर, ड्राइव मैकेनिज्म मतलब हो गया मोटर, ड्राइव मैकेनिज्म मतलब हाँ दाढ़ी बनाए हुए हैं,
आप सर शादी कर रहे हैं, काहे तेरा बराती में जाना है, यही सब चलेगा ऑनलाइन में। हेड स्टॉक में होता है एक ड्राइव मैकेनिज्म। कौन मैकेनिज्म? एक होता है ड्राइव मैकेनिज्म का मतलब वह मोटर, मोटर होगा ना जो घुमाएगा, और एक होता है इसमें सर गियर मैकेनिज्म जो गति को कम ज्यादा करता है, एक होता है स्पिंडल जिस पर सर फोर्जर चक बंधा हुआ होता है। ठीक है, आवाज इधर देखो, इसमें क्या क्या होता है मेरे दोस्त, इसमें एक तो ये हेड स्टॉक है, यही ना हेड स्टॉक है, ये हो गया तुम्हारा स्पिंडल यहां, इसमें एक मोटर होता है जिसको आप ड्राइव मैकेनिज्म कहते हैं, और एक होता है गियर जिसके द्वारा हम लोग स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं। अब देखो हेड स्टॉक कार्यखंड के किधर होता है, यही ना हेड स्टॉक है, हो ये कार्यखंड के किधर है, बोलो ना जी, तो सेटिंग बढ़िया है, बोलो ना जी, मजाक लग रहा है तुमको, सेटिंग नहीं है बढ़िया, ए टू जेड बातें तुमको अगर नहीं समझ में आ रही है तो अब तू भैंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये एकदम दिख रहा है हेड स्टॉक कार्यखंड, ये कार्यखंड है, इसके बाई ओर है, नहीं दिख रहा है रे, कहता है यह चक तथा फेस प्लेट को धारण करता है। बताओ चक और फेस प्लेट अगला टॉपिक में है कि इसमें यहीं पर चक को हटा के हम फेस प्लेट भी देते हैं, वो भी वर्कपीस को पकड़ता है। चक का काम क्या है, वर्कपीस को पकड़ना, तो चक या फेस प्लेट यहां होता है। हेड स्टॉक गति मैकेनिज्म या ड्राइव मैकेनिज्म को चलाता है, सही बात है, अरे इसमें गति को चलाने वाला ड्राइवर, ड्राइव करने वाला मोटर होता है, गियर होता है, वही उसी का ना काम है सर इसको चलाना, बोलो ना रे। द नेक्स्ट, हेड स्टॉक में तीन भाग होते हैं, क्या हुआ अच्छा हेड स्टॉक में तीन भाग होते हैं, कौन कौन? एक होता है जॉब होल्डिंग डिवाइस, ये देखो ये हो गया जॉब होल्डिंग डिवाइस जिसको आप चक कहते हैं, जॉब को जो होल्ड करता है उसको जॉब होल्डिंग डिवाइस कहते हैं, ऐसे पकड़ता है, बोलो ना जी, अरे हम जिसको होल्ड करेंगे तो हम अगर पेन होल्ड किए तो हम पेन होल्डिंग डिवाइस हैं, ये जॉब को होल्ड किए हुए है मतलब पकड़े हुए थे, जॉब होल्डिंग डिवाइस, बोलो ना जी। उसके बाद है ड्राइव मैकेनिज्म, देखो ये ड्राइव करने वाला, इसमें मोटर रहता है कि नहीं रहता है, उसके बाद मेन स्पिंडल, मेन स्पिंडल ये वाला हो गया, ये देख रहा है, ये मेन स्पिंडल हो गया जिसमें फोर्जर चक रहता है, इस सब इसी में रहता है, किसमें? हेड स्टॉक, किसमें? वाह, ये सब जब तुरा भी पढ़ा रहे हैं ना, ये सब हमारी तैयारी है ड्राइवर के, जब तुरा बना बना के पढ़ा रहे हैं, ये सब तैयारी है क्या चीज का, ड्राइवर के आने का इंतजार है, उसी ने कहता दुल्हीन जो है ब्याह के इंतजार में रहता है, हम ओकरे इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कंटेंट बना देंगे ड्राइवर आते आते तुम लोग का बैच खत्म होगा, सब कंटेंट बन जाएगा, अभी सब बना हुआ नहीं है, डेली बनाते हैं, डेली पढ़ाते हैं, डेली एक घंटा टाइम निकालते हैं रात में और तब बनाते हैं और तब तुमको पढ़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये बन जाएगा फिर बैच जो है क्या होगा कहना, तुम सोच रहा है ऐसे करके अभी के पढ़ा रहा है, जो एक एक चीज तुमको अभी हम फोर्जर चौक पढ़ाएंगे तो देखो सब चीज तुमको दिखेगा, के पढ़ा रहा है, कोई लल्ला पैदा लिया है, अब पैदा लेगा भी तो मां कसम हमारी फ्लुएंसी उसकी फ्लुएंसी में डिफरेंस, हमारा अरेंजमेंट है, अगर हम तुरा कहेंगे कि देखो फोर्जर चौक है तो तुमको दिखेगा एक दो तीन चार, हम कहेंगे कि भैया अरे एक के बार में इसको टाइट कर देते हैं, और टाइट कैसे किया जाता है तो तुरा दिखेगा कि देखो इसे टाइट किया जाता है, तुम लोग को सब बात मजाक लगता है, सब अरेंज है कि किसके बाद क्या होना है, कहते हैं मेरे दोस्त कि जॉब होल्डिंग डिवाइस, नामे है जॉब होल्डिंग डिवाइस, जो जॉब को होल्ड करे, जॉब को होल्ड करना मतलब होता है पकड़ना, जॉब को होल्ड करना मतलब पकड़ना, कहते हैं जॉब होल्डिंग डिवाइस जो कार्यखंड को पकड़ता है उसे जॉब होल्डिंग डिवाइस पकड़ता है उसे जॉब होल्डिंग डिवाइस कहते हैं। जॉब होल्डिंग डिवाइस कितने प्रकार के? निम्न प्रकार के, कौन कौन? फोर्जर चक, थ्रीजर चक, टूजर चक, फेस प्लेट, कॉलेट चक, मेंड्रिल, मैग्नेटिक चक, हाइड्रोलिक चक, ठीक है। अब मामला ये है मेरे दोस्त कि नामे फोर्जर चक मतलब पकड़ने के लिए चार जबड़े,
तीजा चौक पकड़ने के लिए तीन जबड़े, तूजा चौक पकड़ने के लिए दो जबड़े। हमको ये बताओ कि हम चार गो जबड़ा होगा तब बढ़िया से पकड़ पाएंगे कि तीन गो जबड़ा होगा तब बढ़िया से पकड़ पाएंगे कि एक गो जबड़ा होगा तब बढ़िया से पकड़। एक गो हम पकड़ाएगा रे, मिनिमम पकड़ने के लिए कई गो जबड़ा चाहिए। इसीलिए देखो एक जो चौक नहीं होता है, अरे एक जो चौक में कैसे पकड़ाएगा, अब पकड़ाएगा। अब बताओ सबसे बढ़िया केकरा से पकड़ाएगा, फोर जो चक से? कोई स्नो वर्क पीस होगा तो चार गो उंगली से पकड़ेंगे तो पकड़ा ही जाएगा, सीधा हो टेढ़ा हो टेढ़ो वर्क पीस पकड़ा जाएगा। लेकिन टू जो चक से टेढ़ा वर्क पीस पकड़ाएगा आप, लेकिन फोर जो चक से टेढ़ा वर्क पीस भी पकड़ाएगा, सीधा वर्क पीस भी पकड़ाएगा। चार जबड़े होते हैं और इसके जबड़े घिसने के बाद उल्टे भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला हम लोग पढ़ेंगे फोर जो चौक, ये सब कास्ट आयरन का होता है। फोर जो चौक, टू जो चौक, थ्री जो चौक, सब कास्ट आयरन, किसी में कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे फोर जो वैसे थ्री जो वैसे टू जो, खाली डिफरेंस ये चार जो चौक में चार जबड़ा, थ्री जो चौक में तीन जबड़ा, टू जो चौक में दो जबड़ा, और सब कास्ट आयरन का होता है। बोला नहीं तुम समझ रहा है, पढ़ के तरह है किताब मेरे पास, अरे किताब है मेरे पास, सब गुरु जी को याद है, तुम लोग को मजाक लगता है। इचला कम से कम फिटर अगर पढ़ाए होंगे तो 40 से 50 बार पढ़ाए, आज थोड़ा जो पढ़ा रहे हैं डेढ़ साल बाद पढ़ा रहे हैं। ड्राइवर में जो पिछले बार पढ़ाए थे 2019 में, दो साल हो गया। लेकिन गुरु जी के टेक्निकल चीजें ऐसा है कि एक बार सिटिंग बैठ गया तो 90% बैठले रहेगा, वो हटेगा नहीं, इस सिटिंग का गेम है। अच्छा अभी तो तुरा लग रहा है कि इतना फुर्सत है, तुरा पढ़ाने से पहले आगे पढ़ के आए होंगे, इतना तो फुर्सत में ढेरी 100 काम है। लेकिन हमको याद नहीं है, सेटिंग बैठा हुआ, टेक्निकल चीजें ऐसा है चला कि एक बार सेटिंग बैठ। सबसे बढ़िया चीज है टेक्निकल पढ़ने, हमको तुम एक बार दे दोगे इसको, एक बार हम तुरा अभी पढ़ा दिए, आई एक बार तुम अपना से रिविजन कर लो, सीधा एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनाने बैठो बन जाए। कुछ कुछ चीज याद करने वाला होता है, जैसे तुमको याद करना होगा कि भैया फलना चीज किस चीज का बना होता है, चिलना चीज किस चीज का बना होता है। अब जैसे हम कह देंगे भैया ये जो है ढलवा लोहा का बना होता है, तो होता है मतलब होता है, पर कोई उपाय नहीं, होता है मतलब होता है, ढलवा लोहा का होता है, ये तुमको याद रखना होगा। अंदाजा भी लगता है इसमें भी, लेकिन कब, जब बहुत बार रिवीजन करोगे तुमको लग जाएगा अच्छा ये टूल है ना, तो ये स्टील का होवे करेगा, ये कैसे लोहा का होगा, ढलवा लोहा का होगा, एकदम नहीं हो सकता। वो अंदाजा धीरे धीरे तुमको लग जाएगा और तुम्हारा आंसर ढलवे लोहा पर जाए, दूसरी जगह नहीं जाएगा। इससे भी भारी वर्क पीस है, कोई भी भारी वर्क पीस जो होता है ना वो ढलवे लोहा का होता है, ये फिक्स है। इसमें कितने जबड़े होते हैं मेरे दोस्त, देखो तो है एक दुई तीन छह, एक वर्क पीस यहां डाल दोगे, यहां डाल के चारों जबड़ा को टाइट कर दोगे, हो जाएगा काम। इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो चारों जबड़ा को एक एक करके टाइट करो चाबी से, या नहीं तो एक गियर लगा हुआ होता है, एक जगह टाइट करोगे चारों टाइट हो जाए, ठीक है। एक तो यहां पर गोलाकार छिद्र होता है, इस गोलाकार छिद्र में सर चाबी लगाओगे और चाबी लगा के टाइट करोगे, टाइट हो जाए, क्लियर। अब देखो चला, जिनका आज वीडियो नहीं चल रहा है, टेक्निकल स्टाफ नहीं है, आप कृपया रिकॉर्डेड वीडियो ही देख लें, शाम तक आ जाएगा वीडियो रिकॉर्डेड आपके पास। देखिए कहते हैं इसके कितने जबड़े हैं मेरे दोस्त, चार जबड़े, कितने जबड़े। इसके द्वारा हम किसी भी आकार की वस्तु को किसी भी अक्ष पर घुमाने के लिए पकड़ सकते हैं। हम बोले किसी भी आकार, क्योंकि कितना जबड़ा है, चार, टेढ़ा मेढ़ा सीधा किसी को भी। लेकिन त्रिज्या चक में ऐसा नहीं होगा, त्रिज्या चक में समान आकार का लेना हो, बोलो ना रे, ये किसी भी वर्क पीस को पकड़ लेता है, इसलिए इसको कुत्ता चक कहते हैं, डॉग चक कहते हैं। कौन चक कहते हैं, कुत्ता को नहीं देता है, सब चीज पे मुंह मार लेता है, बोलो ना रे। इस सीधा वर्क पीस को तो पकड़वे करेगा, टेढ़को को पकड़ेगा। अगर इसका जबड़ा घिस गया ना, इधर से भी दांत होता है, इधर से भी दांत होता है, इस जबड़ा को तुम पलटी मार के भी लगा सकता है, बोलन रे। इसमें अगर एक वृत्ताकार छिद्र होता है तो गियर मैकेनिज्म के द्वारा चारों को एक साथ खोल के एक साथ ढीला कर सकते हो, बोलन रे।
और ये कास्ट आयरन का होता है, चूंकि सारे टाइप के वर्कपीस सीधा टेढ़ा को पकड़ लेता है, इसलिए इसको डॉग चक कहते हैं। कौन चक कहते हैं? कहते हैं इसके द्वारा हम किसी भी आकार के वस्तु को किसी भी अक्ष पर घुमाने के लिए पकड़ सकते हैं। यह वृत्ताकार होता है। कैसा है ये? हाँ, और यह किसका बना होता है? कास्ट आयरन। इसका दूसरा नाम, इस चक के जबड़ों के घिसने के बाद शुद्धता बनी रहती है। इसका जबड़ा अगर थोड़ा बहुत घिस भी जाएगा चला तो चार गुण जबड़ा है, अगर थोड़ा बहुत एकाध को घिस भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दुए को जबड़ा रहेगा एक को घिस जाएगा तब ऐसे है ऐसे हो जाए बोलन रे। तो कहते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? क्या है रे? डॉग चक है। कहते हैं इस चक के जबड़ों के घिसने के बाद शुद्धता बनी रहती है, इसके द्वारा भारी कार्यों को किया जा सकता है तथा इसके द्वारा समान तथा असमान आकार की वस्तु को क्या किया जाता है? क्यों? क्योंकि इसमें कितने जबड़े होते हैं? चार। इस चक में एक वृत्ताकार छिद्र होता है, यहां हर वृत्ताकार छिद्र चला। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, टेक्नीशियन नहीं है तो कृपया आप रिकॉर्डेड क्लास देख लें। कहता है इस चक में वृत्ताकार छिद्र होता है जिसकी सहायता से जबड़ों को ऊपर नीचे किया जाता है। देखो ये वृत्ताकार छिद्र को जब घुमाते हैं जबड़ा देखो तो खुल रहा है बंद हो रहा है, बोलो ना रे। अब कहता है यह इस चक में इनके जबड़ों को उलट कर भी लगाया जा सकता, जैसे ई जबड़ा अगर इधर घिस गया ना तो इसको उलट के भी लगा सकते, बाकी किसी चक में ऐसा नहीं होता। बाद बाकी है, अभी लाइनें गायब है, की है लाइन, ये है कि इस पर वैसे ही ओवरलैप हो गया। देखें अच्छा पकड़ो पकड़ो, बेलनाकार रुखड़े सतह की टर्निंग के लिए भी इसका उपयोग, मतलब रुखड़ा सतह, सीधा सतह, टेढ़ा सतह, कोनो सतह होगा सर तो उस पर हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। किसका? फोर्जा चक। इसीलिए तो इसका नाम, दूसरा नाम कुत्ता चक है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? कुत्ता चक है, डॉग चक है। बताओ इसके जबड़ों को पलटी मार के लगाया जा सकता है, इसके जबड़े के थोड़े बहुत घिसने पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला नाम है त्रिज्या चक। कै गो जबड़ा है? कै गो जबड़ा है? पक्का? कहता है आसमान असमान, आसमान असमान सतहों के लिए त्रिज्या चक उपयुक्त है क्या? अरे छोटा, असमान सतह के लिए मतलब टेढ़ा मेढ़ा के लिए फोर्जा चक की त्रिज्या चक? हाँ, त्रिज्या चक से ऐसा नहीं करेंगे, बोलवे नहीं करेंगे। और सर त्रिज्या चक को सेंटरिंग करना आसान होता है क्योंकि तीनों को जबड़ा को टाइट करना और लूज करना होता है, फोर्जा चक में चार को जबड़ा को टाइट या लूज करना होता है, बोलो ना। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम सेल्फ सेंटर।
कौन चक है मेरे दोस्त? इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? सेल्फ सेंटरिंग। इसके द्वारा सर समान आकार के वर्कपीस ही पकड़े जाएंगे, षटभुजाकार वर्कपीस, गोलाकार वर्कपीस, जो एक सिमेट्रिक शेप में हो, सिमेट्रिक मतलब एक समान शेप में हो। इसका दूसरा नाम सेल्फ सेंटरिंग चक है। इसमें जबड़ों की संख्या 3 होती है। इसके द्वारा असमान वर्कपीस को नहीं पकड़ा जा सकता है। इसके द्वारा जब भी पकड़ा जाएगा षटभुजाकार, बेलनाकार, गोलाकार वर्कपीस को ही पकड़ा जाएगा। इसमें जबड़ों की संख्या कितनी होती है? और इसको हम सेल्फ सेंटरिंग चक के नाम से जानते हैं। कहते हैं असमान सतहों के जॉब को थ्री जॉ चक के द्वारा पकड़ा जा सकता है कि नहीं पकड़ा जा सकता। और थ्री जॉ चक में बेलनाकार या षटभुजाकार सतहों को पकड़ा जा सकता, बेलनाकार या षटभुजाकार, असमान न बोलो ना, बेलनाकार या षटभुजाकार। असमान क्यों नहीं पकड़ेंगे? क्योंकि तीनों को जबड़ा है, बोलो ना। अब कहते हैं त्रिज्या चक को उल्टा किया जा सकता है, केवल किसको उल्टा किया जा सकता है? क्योंकि त्रिज्या चक के दोनों तरफ दांत नहीं होता है, एक के तरफ दांत होता है, बोलो ना। अब कहते हैं इसके जबड़े घिसने, अगर इसका जबड़ा घिस गया, फोरजा चक में 4 को जबड़ा था, एक को घिस गया जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। थ्री जॉ टू जॉ चक में अगर एक को जबड़ा घिस गया तो फर्क पड़ेगा, जॉब ऐसे सीधा तक टेढ़ा हो जाए। आई इसको हम सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जबड़ों की संख्या 3 होती है, आसानी से सेंटरिंग हो सकता है। सेंटरिंग का मतलब ये ऐसे है तो सेंटरिंग नहीं है, एकदम सीधा है तो सेंटरिंग, बोलन रे। सेंटरिंग करना मतलब सीधा करना, सेंटरिंग करना मतलब। कहते हैं इसके जबड़े घिसने का प्रभाव शुद्धता पर पड़ता है, इसलिए इसमें एक्यूरेट सेटिंग नहीं होगा। क्योंकि थोड़ा सा भी जबड़ा घिस जाएगा तो वर्कपीस सीधा रहेगा कि टेढ़ा हो जाएगा? तो अगला मामला है मेरे दोस्त, इसका साइज, किसी का भी साइज जो है वो प्रत्येक जबड़े के थिकनेस पर निर्भर करता है। थिकनेस का मतलब होता है मोटाई। अगर इस जबड़े की मोटाई ज्यादा है तो जब चक बड़ा है, अगर जबड़े की मोटाई कम है तो चक छोटा, बोलो ना। कहते हैं इसका साइज प्रत्येक जॉ के थिकनेस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह भी किसका बना होता है? यह वर्कपीस को हमेशा सेंटर में पकड़ लेता है आसानी से, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? क्या है? सेल्फ सेंटरिंग चक है। सर आज की क्लास आपकी जो है बफरिंग हो रही है, अपलोडेड क्लास देख लीजिएगा। अगला है मेरे दोस्त टू जॉ चक। टू जॉ चक कुछ नहीं है, सेम टू सेम लाइक फोर जॉ चक, सेम टू सेम लाइक थ्री जॉ चक। गोल होता है, वृत्ताकार होता है, खाली जबड़ों की संख्या 2 होती है। इसका प्रयोग लेकिन नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि 2 जबड़ा में बैलेंस से नहीं बनेगा। कम से कम कितना जबड़ा होना चाहिए? 3। कहते हैं टू जॉ चक की बनावट फोर जॉ चक के समान होती है, लेकिन इसे पकड़ने के लिए मात्र कितने ही जबड़े होते हैं? कितने जबड़े होते हैं? पक्का बोलो ना रे। हैव यू एनी समस्या? समस्या है तो बताइए सर। तेरे ने ना बोलन दे, कोई समस्या है? फोरजो चक में कितने जबड़े? 4। सबसे भारी चैप्टर है, जितना चैप्टर तुम पढ़ोगे उसमें सबसे उल्टा चैप्टर यही है। सबसे आसानी से तुरा हम पढ़ा देंगे, एकदम आसानी से। फोरजो चक में जबड़े कितने? 4। टू जो चक में जबड़े कितने? 2। थ्री जो चक में? 3। त्रिज्य चक का दूसरा नाम सेल्फ सेंटरिंग चक, बोलन रे। सभी चक किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? सभी चक बने होते हैं कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा के। सभी चक किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा। यानी समस्या, वृत्ताकार होते हैं कि अंडाकार होते हैं? आए फोरजो चक से असमान आकार के समान आकार, समान असमान दोनों ना रे। फोरजो चक से समान असमान दोनों ना, और थ्रीजो चक से केवल समान आकार, बोलन रे। और टूजो चक से तो सर पकड़वे नहीं करते हैं, बहुत कम। और सब कास्ट आयरन ढलवा लोहा का होता है, सब किसका होता है? क्लियर? यानी समस्या, आगे बढ़े।
इसको कहते हैं हम फेस प्लेट। इस फेस प्लेट की अगर बात करें मेरे दोस्त, इसमें तुम गौर से देखो, एक प्लेट होता है, ये देख रहे हो ये वाला, ये इसको एनालाइज करो, एक प्लेट है। इसर जो फोर्जा चक से जो पकड़ते हैं ना, अरे फोर्जा चक से पकड़ते हैं, उसके जगह पर हम फेस प्लेट से पकड़ेंगे। फोर्जा चक की जगह किससे पकड़ेंगे, किससे पकड़ेंगे ये भैया, फेस प्लेट से पकड़ेंगे। किसके जगह पर फोर्जा चक, आप तुम कह रहे हैं मास्टर काहे काहे फेस प्लेट से पकड़ेंगे, ये बात है ना चला। तुम कह रहे कितने बढ़िया फोर्जा चक था, तो आपको ऐसा का खुजली हो गया सर कि आप फेस प्लेट ले आए। हाँ तो कहां थे हम सर, फेस प्लेट पर। फेस प्लेट ये है, तुम गौर से देखो, इसमें इस आकार के छेद हैं। अरे यहां भी देखो, इस छेद में नट एंड बोल्ट टाइट होता है, एक वो छेद यहां भी है जिसमें नट एंड बोल्ट टाइट हुआ, और नट एंड बोल्ट के सहायता से हम ये वर्कपीस है इसको पकड़ लिए। बोलो नहीं। अब फेस प्लेट का मामला क्या है सर, कि असमान आकार के वर्कपीस को पकड़ने के लिए हम लोग हमेशा फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। फेस प्लेट में तुमको कभी कोई कहेगा कि किस आकार का छिद्र होता है, तो हम कहेंगे आयताकार छिद्र होता है, जिसमें नट एंड बोल्ट की सहायता से वर्कपीस को क्या किया जाता है। देखो नट एंड बोल्ट लगा कर वर्कपीस को पकड़ लिया है, बोले न। तो कहते हैं मेरे दोस्त, ये देखो इसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये तुम्हारा वर्कपीस है, ये वर्कपीस है, यहां देखो नट एंड बोल्ट लगा दिया, वर्क को क्लैंप करना, क्लैंप करना मतलब होता है बांधना। और ये देखो ये छेद है, बोलो ना रे, इस छेद में नट एंड बोल्ट लगाकर ये वर्कपीस को बांध दिया है। तो असमान आकार के वर्कपीस को भी सर पकड़ने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब देखो कहते हैं मेरे दोस्त, यह फेस पर जॉब को पकड़ने के लिए आयताकार तथा टी आकार के खांचे बने होते हैं। देखो ये जो खांचा तुम देख रहे हो, या तो यह आयताकार होता है ना, तो किस आकार का होता है, टी आकार। टी आकार समझते हो ना, ऐसा इसी में यह ऐसा हो जाएगा, ऐसा खांचा, ऐसा खांचा होगा तो इसको हम कौन खांचा कहेंगे, टी आकार। कहता इसमें जॉब को किसकी सहायता से, नट एंड बोल्ट की सहायता से, किसकी सहायता से, क्लैंप, क्लैंप करना मतलब बांधना, पकड़ना, क्लैंप किया जाता है। इसमें जबड़ों की व्यवस्था, अरे चार को जबड़ा नहीं ना है इसमें। कहता है असमान आकार के वर्कपीस को फेस करने के लिए फेस प्लेट पर क्लैंप करके बांधा जाता है। सर मामला यह है कि फोर्जा चक में तो पकड़ा जाता है, इसमें सर नट एंड बोल्ट से बांध दिया जाता है। बोलन रे, तो तुमको कहेगा फेस प्लेट का उपयोग क्यों करते हैं, कहेंगे असमान आकार के वर्कपीस को पकड़ने के लिए। कहेगा बताओ फेस प्लेट की अगर हम बात करें, इसमें कैसे खांचे होते हैं, कहेंगे आयताकार या टी आकार। किस आकार के सर, आयताकार या टी आकार के। सर कुछ बच्चों का कहना है कि इसके अलावा दूसरा किताब भी लेना होगा। सर आप जिस भी किताब को लीजिएगा, हम ये नहीं कहते सबसे बढ़िया किताब मेरा है, अब जिस भी किताब को लीजिएगा ना, सब किताब के टोटल क्वेश्चन एक में हम डाल दिए, उसी हिसाब से थ्योरी अरेंज कर दिए। हमको किसी किताब वाले से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी किताब जानते हैं मार्केट का, सब क्वेश्चन उठा के कॉपी एंड पेस्ट,
सीधा कॉपी एंड पेस्ट, क्वेश्चन कॉपी एंड पेस्ट है, और थ्योरी को हमने उसके हिसाब से अरेंज कर दिया है ताकि आपका काम हो जाए। 75 की किताब आप खरीदिएगा तो खरीद के तब ना फायदा है, जब मेरे किताब में सर मेरे किताब से ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी के किताब में है तो ले लीजिए, क्या समस्या करे, और नहीं तो मेरा किताब पढ़िए। अरे आप दूसरा किताब तब ना पढ़िएगा जब इससे ज्यादा शेड्यूल्ड होगा, वो इससे ज्यादा शेड्यूल्ड होगा वो पढ़िएगा। हम कभी चाहेंगे कि बच्चा कहे नहीं नहीं आपसे बढ़िया वो किताब है, हमेशा कभी नहीं चाहेंगे। और तुमको लग रहा है कि इतना घटिया सोच हमार है कि हम ऐसा किताब लिख देंगे, लड़का कहेगा नहीं नहीं इसके जैसे बढ़िया तो फलनमा के किताब है, मां कसम ऐसा सोचने से पहले होकर हम थर्ड लेवल में काम लगा देते हैं ताकि बच्चा ये कभी नहीं बोले हम चला सबसे बढ़िया रहेंगे तभी मेरे पास बच्चा आएगा। तू किसी का नहीं है, मेरा मानना है बच्चा किसी का नहीं है, बच्चा सिर्फ इसका है। एक लाइन के बाद तू हमरा लिए नहीं बैठल है, तू एकरा लिए बैठल है, एकरा लिए ठीक ना। बच्चा के आज हमरा से बढ़िया कोई बगल में पढ़ाने लगा तू हमरा पास थूकने नहीं आएगा, एक को बात नहीं कि चलो एक बार झासर को देखियो लेते हैं, हमरा नहीं पता है कि ये फील्ड ऐसा है चला कि यहाँ जब बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट देंगे तभी बच्चा रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि अभी बेस्ट अभी सबसे बेस्ट हम बना दिए हैं, लेकिन और ज्यादा बेस्ट बनाने के लिए और काम करेंगे, यही ना कर सकते हैं। काम करने का कोई अंत है, फिर कोई क्वेश्चन आएगा लगेगा हमको ये क्वेश्चन मेरे बुक में नहीं है लेकिन पूछा है और ऐड कर देते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हमको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे किताब में नहीं है, पट से उठा के कॉपी एंड पेस्ट। मेरा बुक सबसे बढ़िया बना रहेगा तब जब हम हमेशा उस किताब पर काम करते रहेंगे, नहीं तो फिर मेरा किताब हमेशा के लिए सबसे बढ़िया नहीं रहेगा, कोई ना कोई हमको दो नंबर में लाके खड़ा कर दे। ठीक है, आप देखे होंगे पुराना वाला मेरा जो फिटर का किताब है अभी जो फिटर का किताब लाए दोनों में अंतर नहीं है। आ तुम और किताब पढ़ना, ई एडिशन में जो किताब है अगला एडिशन में भी वही रहता है, खाली नाम देता है नया एडिशन, हम नया एडिशन दिए तो उसमें पूरा का पूरा सुधार किए। तो कहते हैं मेरे दोस्त किसके द्वारा पकड़ा जाता है फेस प्लेट पर, नट एंड बोल्ट के द्वारा, किसके द्वारा किसके द्वारा, नट एंड बोल्ट के द्वारा पकड़ा जाता। तो असमान कार्य को कि समान कार्यखंड को, और समान कार्य को फेस प्लेट पर बांधने के लिए कार्यखंड को समान गति से देखो। एक होता है बैलेंसिंग, क्या होता है मेरे दोस्त, देखो जैसे मान लो फेस प्लेट पर तुम ऐसे पकड़ लिए वर्कपीस को, ऐसे पकड़ लिए, अब ऐसे पकड़ लिए आई ऐसे ऐसे घूम रहा है तो कभी काट पाएगा, काट पाएगा नहीं। इसको सर ठीक करने के लिए सीधा करना होगा, सीधा करना होगा मतलब बैलेंस करना होगा, ये पंखा भी बैलेंस नहीं रहेगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा, बोलो ना, ये बैलेंस है तब ना ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये बताओ ये जो फेस प्लेट पर वर्कपीस हम बांधेंगे ये एकदम सीधा घूमना चाहिए कि टेढ़ा घूमना चाहिए, यह प्रक्रिया बैलेंसिंग कहलाती है, क्या कहलाती है। इस पर समान आकार का वर्कपीस पकड़ेंगे कि असमान आकार का, इसमें कई प्रकार के खांचे कटे होते हैं, क्या कटे होते हैं, कहता है मेरे दोस्त असमान कार्य को फेस प्लेट पर बांधने पर कार्यखंड समान गति से घुमाने के लिए क्या किया जाता है। अगर इस समान ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा, समान गति से घूमेगा कब, जब इसको बैलेंस करके बांध देंगे, बोलो ना, इसको कहेगा समान गति से घूमने के लिए क्या किया जाता है, कहेंगे क्या किया था, बैलेंसिंग। फेस प्लेट को हेड स्टॉक स्पिंडल पर पकड़ा जाता है, पता चला ये फेस प्लेट है ये कहां पकड़ा जाता है, हेड स्टॉक पर कि टेल स्टॉक पर, कहां टेल स्टॉक पर, तो कहता है फेस प्लेट को हेड स्टॉक के स्पिंडल पर पकड़ा जाता है। फेस प्लेट की सहायता से अनियमित आकार मतलब असमान आकार के समान आकार और नियमित आकार के वर्कपीस की टर्निंग की जा सकती, कहते हैं इनमें कई प्रकार के स्लॉट्स, किस आकार के, आयताकार और टी आकार के, आयताकार और किस आकार के, टी आकार के स्लॉट्स कटे होते हैं। अब है पॉलेट चक, कौन चक चला, कौन चक, पॉलेट चक का नाम सुने हो, पॉलेट चक क्या होता है, इस चक का ही एक प्रकार है, यह भी वर्कपीस को पकड़वे करता है। आप आए सर चार गो थे था तो एकरा कहे लाए, एकरो काम है, सबके अलग अलग काम है। फोर्जा चक का दूसरा नाम कुत्ता चक,
थ्रीजा चक का दूसरा नाम सेल्फ सेंटरिंग चक, सारे चक कास्ट आयरन के बने होते हैं। फोरजा चक में चार जबड़ा, थ्रीजा चक में तीन जबड़ा, टूजा चक में दो जबड़ा, फोरजा चक में असमान समान सब आकार के वर्कपीस पकड़ लेते हैं, थ्रीजा चक में असमान आकार का वर्कपीस नहीं पकड़ पाएंगे। बोले भैया नहीं, फोरजा चक के जबड़े को उल्टा के लगाया जा सकता, ये सब कितना बार पढ़ाएंगे, मतलब सोचो दिमाग में एडजस्ट है, दो बार पढ़ लेगा ना जिंदगी में। अगर कभी तेरा पढ़ना पड़ जाए एग्जाम से पहले, तो ड्राइवर से पहले लोग आएगा हमारा पास पढ़ने, और तू करेगा टोक टोक रिवीजन। मतलब जे लड़का अभी मेरे पास पढ़ रहा है और अगर वो रेगुलर क्लास कर रहा है, उसकी मर्जी के खिलाफ भी होगा ड्राइवर रखल, चला 54 नंबर में रिजल्ट होता है एक सम पार्टे में, कितना नंबर में 54 57, बहुत गया तो 67 मैक्सिमम है वो, 54 55 56 60 टकटका देना। अब तो अगर तुम खाली अभी से जितना टेस्ट चल रहा है खाली टेस्ट मारते रहोगे ना, एग्जाम हॉल में जाओगे सीधा सीधा बात होगा क्वेश्चन, मतलब यही समझो जिंदगी में तू एक को बढ़िया काम किया है, उकर नाम है आईटीआई करने। हमारा अगर कोई छोटका भाई अभी रहेगा और सब जितना है सब कहता है कि सर नौकरी कैसे होगा भैया, नौकरी कैसे होगा चचा, हम कहते हैं आईटीआई कर ले, सबसे आसान रास्ता है। इंतजार करो ड्राइवर का, कोई फॉर्म नहीं भरो, ग्रुप डी त्रुप डी कुछ ना, इंतजार करो ड्राइवर की वैकेंसी का, आएगा आ हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, उसकी मर्जी के खिलाफ हो। लेकिन उसके लिए चला अभी से जो तुम पढ़ा है ना, ये तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। पैसा तो हमारे देना है, हम बार बार कहते हैं, अभी तू पढ़ रहा है तो उस टाइम तू रिविजन मारेगा कट कट कट। और जो चक्का दूसरा नाम टॉप चक, थ्री जो चक का दूसरा नाम सेल्फ सेंटरिंग चक, थ्री जो चक के जबड़ा घिसेगा तो शुद्धता पर असर पड़ेगा, लेकिन फोर जो चक में असर, क्योंकि उसमें जबड़ों की संख्या, आप फेस प्लेट में नट एंड बोल्ट से पकड़ेंगे, आयताकार या टी आकार का खांचा, चूंकि फेस प्लेट पर नट एंड बोल्ट से पकड़ते हैं, समान असमान सब आकार का वर्कपीस पकड़ लेंगे। बोलो न रे, फेस प्लेट को कहां पकड़ते हैं, हेड स्टॉक पर कि टेल स्टॉक पर, क्लियर है? धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, थैंक यू वेरी मच। प्रिंस वीडियो अपलोड कर दो।